नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज वॉल इंडिया। मैं हूं आपके साथ जूही सिंह। शुरुआत करते हैं बुलेटिन की। यूपी की राजधानी लखनऊ के लेवाना स्वीट होटल में आग लग गई, जिसमें दर्जनों लोगों के फंसे होने की खबर सामने आ रही है। दो लोगों के मौत की भी खबर सामने आई है, वहीं 15 लोग घायल हैं। मुख्यमंत्री योगी घायलों को देखने अस्पताल पहुंचे, जहां उन्होंने जिला प्रशासन के अधिकारियों को घायलों का समुचित उपचार कराने के निर्देश दिए। इसके साथ ही जिलाधिकारी और पुलिस के वरिष्ठ अधिकारियों को मौके पर तत्काल पहुंचने और राहत बचाव कार्य में तेजी लाने के भी निर्देश दिए। उत्तराखंड के अल्मोड़ा जिले में सवर्ण महिला से विवाह करने के बाद लड़की के परिजनों ने दलित युवक की पीट पीट कर हत्या कर दी, जिसके बाद क्षेत्र के विभिन्न सामाजिक संगठनों ने कार रोड में जुलूस निकालकर जातिवादी मानसिकता के लोगों का पुतला दहन किया। इस दौरान मौजूद लोगों ने सरकार से मृतक जगदीश चंद्र के परिवार को 1 करोड़ रुपए का मुआवजा तथा परिवार के 1 सदस्य को सरकारी नौकरी देने की मांग की है। साथ ही चेतावनी दी है कि अगर जल्द ही सरकार द्वारा इन मामलों को फास्ट ट्रैक कोर्ट में चलाकर दोषियों को सजा नहीं दिलाई तो संपूर्ण प्रदेश में उग्र आंदोलन किए जाएंगे। जो जगदीश का परिवार है, सबसे पहले तो उसको आर्थिक मतलब मुआवजा दिया जाए 1 करोड़ रुपए का। दूसरा, जो ये जातिवादी घटनाएं हो रही हैं, इसकी फास्ट ट्रैक कोर्ट बनाई जाए और तुरंत इस पर सुनवाई हो और जो अपराधी है इनको तुरंत सजा दी जाए, कड़ी से कड़ी सजा दी। उत्तराखंड में जिस प्रकार आज पूरा देश आजादी का 75वां अमृत महोत्सव मना रहा है, लेकिन लगातार जातिगत घटनाएं बढ़ रही है, क्योंकि सरकार जो है विकास करने के बदले जनता को मतलब जातिवादी धार्मिक भावनाओं में भड़का रही है और ऐसी भावनाओं पर तवज्जो दी जा रही है। जनता को मेन मुद्दों से भड़काया जा रहा है, जातिवादी मानसिकता से ग्रस्त किया जा रहा है। उत्तराखंड का संपूर्ण शिल्पकार समाज बहुत आहत है। कुछ समय से उत्तराखंड में जातिवादी मानसिकता बहुत अधिक बढ़ चुकी है और बहुत ही अधिक जघन्य घटनाएं और हत्याएं उत्तराखंड में होती आ रही हैं। इसी कड़ी में अभी जगदीश की जो हत्या हुई है, वो भी एक निंदनीय घटना है, दर्दनाक घटना है। उसका सबसे बड़ा कारण एक ये भी है, क्योंकि SC ST एक्ट को इन लोगों ने बड़ा लचीला कर दिया है, जिसमें तुरंत गिरफ्तारी नहीं हो रही है। दिनेशपुर के चितरंजनपुर मार्ग साइकिल से जा रहे युवक को पीछे से ट्रैक्टर ट्रॉली ने जोरदार टक्कर मार दी, जिससे युवक की मौके पर ही मौत हो गई। आपको बता दें कि 10 दिन पहले भी मिट्टी का काम करने वाले ट्रैक्टर ट्रॉली ने एक 4 वर्षीय बच्ची को मारा था, जिसकी मौके पर ही मौत हो गई थी। ये अभी ये सूचना आई थी, 112 से सूचना मिली कि एक ट्रैक्टर ट्रॉली से एक व्यक्ति की एक्सीडेंट होने से मृत्यु हो गई है। तो उस सूचना पे हम लोग यहाँ पे आए थे और अभी पंचायतनामे की कार्रवाई चल रही है और पोस्टमार्टम के लिए इसे भेजा जाएगा और जो भी विधिक कार्रवाई इसमें होती है वो विधिक कार्रवाई इसमें की जाएगी। सिद्धार्थनगर के पूर्व मंत्री और डुमरियागंज सीट से 5 बार विधायक रहे मलिक कमाल यूसुफ का लंबी बीमारी के बाद रात 1 बजे निधन हो गया। जिले में अलग मुकाम रखने वाले पूर्व विधायक की मौत के बाद लोगों के बीच शोक की लहर देखने को मिल रही है। कमाल यूसुफ मलिक के अंतिम दर्शन के लिए भारी भीड़ लगी है, जिलावासी गमगीन हैं। आपको बता दें कि विधायक उत्तर प्रदेश सरकार में मंत्री भी रह चुके हैं। अगली खबर आगरा से है। आगरा के सैया टोल का मामला है, जहां 20 से 25 अज्ञात खनन माफियाओं के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया है। दरअसल खनन माफियाओं ने टोल का बोम तोड़कर ट्रैक्टर निकाल कर दबंगई दिखाई थी। यह पूरी घटना CCTV कैमरे में कैद हो गई थी। बढ़ते अगली खबर की ओर। शामली की कैराना कोतवाली क्षेत्र के गांव करेला में जिला विद्युत विभाग के उच्च अधिकारियों के खिलाफ सर्व समाज के लोगों ने एक पंचायत का आयोजन किया, जिसमें सत्ता पक्ष के नेता और विपक्ष के नेता भी एकजुट होकर एक सुर में सत्ता के आदेशों के खिलाफ बोले। इस पंचायत में जहां BJP MLC ने ग्रामीणों से पंचायत में नाराजगी जाहिर करते हुए एक हाई वोल्टेज ड्रामा किया,
तो वहीं दूसरी तरफ ये भी माना कि विद्युत विभाग के कुछ कर्मचारियों के सह पर ही बिजली चोरी की घटना होती है। देखिए जनता की जो हमारी एकजुटता है, आज कंडेला गांव में ये पंचायत थी तो ये एक अपने आप में ही हिस्ट्री दायर हो जाती है कि सरकार के खिलाफ जो पंचायत थी ये कंडेला गांव में थी। तो आप समझ सकते हैं कि लोग कितना परेशान है सरकार से, और सर्व दलों की, सर्व समाज की पंचायत थी, बिजली विभाग वालों के खिलाफ थी, वहाँ से ये चिंगारी उठी थी। लेकिन सरकार की नीतियाँ और सरकार की जो कार्यशैली रही है, जो कमज़ोर कार्यशैली रही है, मेरे हिसाब से उस विरोध में ये जनता का समूह यहाँ पर जुड़ा था। कर दिया था, मैं ऊपर पहुँचे, कोई बात उन्होंने करी, पैसे किया, जो भी की होगी, एक महिला बेहोश होकर गिर गई। जब महिला गिर गई चक्कर आके, तो वो जो मालिक था वो डंडा लेके पीछे भागा, वो चली, उन्होंने जाकर मुकदमा दर्ज कर दिया। उसके बाद प्रयास चले गए, बुलाए हमने भी, मैं ही कह रहे गलती उनकी और वही कह रहे माफ़ी मांगे, उसे लेकर ही विवाद शुरू हुआ। और पहले भी पंचायत हुई थी, उसी में थे भैया, हम माननीय मुख्यमंत्री से भी मिले इस बिंदु पर, विद्युत मंत्री से बात हुई और उन्होंने कहा मुझे लिख के दीजिए, मैं समाधान करूँगा। पीलीभीत में पुलिस अधीक्षक दिनेश कुमार प्रभु ने लगभग 5 किलोमीटर का पैदल मार्च किया और सड़क सुरक्षा व्यवस्था का जायजा लिया। साथ ही सड़कों पर लोगों द्वारा किए गए अतिक्रमण के संबंध में अधिकारियों को दिशा निर्देश दिए, जल्द से जल्द अतिक्रमण हटाया जाए, नहीं तो सड़क की जगह को छोड़कर अपनी दुकानें पीछे कर ले, ऐसा नहीं करने पर उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। और सभी थाना अध्यक्षों को निर्देशित किया गया कि अगर शहर के मुख्य मार्गों पर किसी प्रकार का कोई अतिक्रमण किया जाता है तो उसके खिलाफ संबंधित थाने में मुकदमा दर्ज किया जाए और जल्द से जल्द कानूनी कार्रवाई की जाए। सड़क सुरक्षा अभियान काफ़ी पहले से चलाया जा रहा है, इसके चलते हमारे शहर में एडिशनल एसपी, सीओ और सभी एसएचओस के साथ पैदल गश्त किए हैं, जो कि सड़क सुरक्षा अभियान के तहत जो नगरीय जीवन को अच्छा बनाने के लिए जो अतिक्रमण हटाने की बात और जो इलीगल टेम्पो स्टैंड या टैक्सी स्टैंड को हटाने की बात हम लोगों ने बहुत पहले कर चुके थे, उसका अभी आज के डेट में क्या स्थिति है उसको परखने के लिए काफ़ी दूर तक हम लोगों ने पैदल करके अभियान चलाया है और काफ़ी हद तक रिजल्ट जो है बरकरार है। कुछ जगह फिर से लोग अतिक्रमण करने की कोशिश कर रहे हैं, उनके खिलाफ मुकदमा लिख के सख्त हिदायत देने के लिए मेरे द्वारा अधिकारियों कर्मचारियों को निर्देश दिए गए। गोंडा में भाजपा सांसद जगदम्बिका पाल ने 2024 के चुनाव पीएम की दावेदारी पर चुटकी ली। उन्होंने कहा कि पीएम के लिए एक अनार 100 बीमार जैसे हालात हैं, ऐसे लोग भी उम्मीदवार हैं जिनके लोकसभा में एक भी सांसद नहीं है। भाजपा को देश की जनता ने 2014 और 2019 में बहुमत दिया। सांसद ने आगे कहा कि जब नीतीश अकेले लड़े थे तब महज 2 सीटें ही उन्हें मिली थी, ये लोग मुंगेरी लाल के हसीन सपने देख रहे हैं। आगरा में एक दिवसीय प्रशिक्षण शिविर का आयोजन किया गया। प्रशिक्षण शिविर में महान दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष केशव देव मौर्य ने भाग लिया। केशव देव ने कहा कि आगरा में अगले 2 महीने में एक बड़ी रैली की जाएगी। महान दल का 2024 के चुनाव एजेंसी पूरा क्लियर है। साथ ही उन्होंने कहा कि महान दल की न किसी से दोस्ती है और ना ही किसी से दुश्मनी, हमारे लिए कोई भी पार्टी अच्छी नहीं है, जो महान दल को मजबूत करेगा हम उसको वोट दिलाएंगे। आगरा में आज जो महत्वपूर्ण हमारे कार्यकर्ता हैं अलग अलग क्षेत्रों के, पूरी विधानसभा जितनी विधानसभा सब कार्यकर्ताओं को आज इकट्ठा किया गया था और आने वाले समय में एक बड़ी रैली प्रस्तावित है उसके लिए प्रशिक्षित किया गया। चुनाव में किस तरह काम करने है, समाज को क्या समझाना है, किस तरह से अपने लोगों को मोटिवेट करके महान दल को मजबूत करना है और महान दल आर्थिक रूप से कमज़ोर है, किस तरह रैली की जाएगी, उसके लिए कैसे संसाधन जुटाए जाएंगे, उन सब विषयों पर प्रशिक्षित किया मैंने। किस तरह 10-10 रुपये मैंने कहा कम से कम महान दल के अकाउंट में हर घर के लोग डालें और जिससे एक महान दल को ताकत मिले और सभी लोग सहमत हैं और महान दल की ज़रूरत है। और चूँकि ये भ्रांति थी समाज के लोगों को बरगलाया जा रहा था कि गठबंधन गलत तरीके से तोड़ा समाजवादी पार्टी से या भाजपा के सहारे पर महान दल ने तोड़ा, तो उन सब चीज़ों को चूँकि मालिक वही हैं, समाज मालिक है, जनता मालिक होती है, जो हमारे कार्यकर्ता मालिक हैं उनको मैंने सबको समझाया
एक एक बात एक्सप्लेन की, सब लोगों ने सहमति दर्ज की कि नहीं हम सब लोग साथ हैं और साथ रहेंगे। इसी के साथ अभी के लिए बस इतना ही, बने रहिए न्यूज़ वर्ल्ड इंडिया के साथ।